गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्यूशन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन फ्रॉम एरोमेसिटी। ये हमारा सेशन फर्स्ट रहेगा। इसके अंदर हम 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। तो एरोमेसिटी का पूरा चैप्टर हमने पहले आपको स्टडी करवाया है, तो जो व्यूवर्स नए हैं पहले एरोमेसिटी के चैप्टर के वीडियोस को आप देख लीजिए एंड देन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्यूशन सेशन के ऊपर आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमें क्या पूछा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ डी प्रोटोनेशन हमें पूछा है, यानी कि जो प्रोटोन है उसकी एसिडिटी पूछी साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर। देखिए, जो ऑर्डर ऑफ डी प्रोटोनेशन तो दे रखा है, बट जो ऑप्शन आपको दे रखे होंगे ना वो साइक्लिक रहेंगे। लाइक ये जो आपके पास तीन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी एंड स्ट्रक्चर सी, ये साइक्लिक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में डी प्रोटॉन होने के बाद जो एनायन बचेगा वो एनायन कितना स्टेबल है ये मुझे पहले चेक करना पड़ेगा। ओके, अब एनायन बनने पे साइक्लिक स्ट्रक्चर या तो एरोमेटिक हो सकता है या नॉन एरोमेटिक हो सकता है या एंटी एरोमेटिक हो सकता है। तो तीनों चीज मुझे फाइंड आउट करनी है कि आफ्टर द डी प्रोटोनेशन सिस्टम क्या बन रहा है। तो देखिए कंसेप्ट क्या कहता है, दिस वन इज कंसेप्ट हमारे पास है कि जस्ट वन मिनट, कंसेप्ट है आपके पास कोई सिस्टम है या मॉलिक्यूल है एच ए, ए कोई अदर पार्ट हो सकता है, एच अटैच्ड प्रोटोन है। अब डी प्रोटोनेशन मीन्स एच प्लस रिमूव हुआ। ओके, एच प्लस कब रिमूव होगा, जब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ए के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ये ए के ऊपर शिफ्ट होंगे, एच प्लस रिमूव हुआ तो क्या बनेगा, ए नेगेटिव, यानी कि एनायन बनेगा एक और एक बनेगा एच प्लस जो कि बाहर निकल गया। अब ए नेगेटिव की स्टेबिलिटी कितनी है वो मुझे चेक करनी है। चलिए वन बाय वन चेक करते हैं। आपके पास स्ट्रक्चर ए दे रखा है, देखिए दिस वन इज स्ट्रक्चर ए, इसमें जो एसिडिक प्रोटोन है उससे मैंने इसे हाईलाइट किया, दिस वन इज कार्बन, तो एसिडिक प्रोटोन है, डी प्रोटोनेशन हुआ, इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये आपका माइनस एच प्लस लिखा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है 5 मेंबर रिंग है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो रहे हैं वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बट ये कॉन्जुगेटेड में नहीं है, ना तो कॉन्जुगेशन में ना ही ये स्ट्रक्चर प्लानर है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नॉन प्लानर भी है ये और नॉट कॉन्जुगेटेड। ओके, तो हकल के फोरेन प्लस 2 रूल को ये अनफॉलो कर रहा है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो आपका जो ए सिस्टम है आफ्टर द डी प्रोटोनेशन किस में चेंज हो रहा है, नॉन एरोमेटिक में, जो कि लेस स्टेबल है कंपेयर टू एरोमेटिक। अब सिस्टम बी की बात करते हैं, सिस्टम बी में दिस वन इज प्रोटोन, एसिडिक प्रोटोन है, मैं हाईलाइटर दूसरा यूज करता हूँ। ओके, डी प्रोटोनेशन हुआ आपके पास, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ माइनस एच प्लस और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज देखने को मिला। अब ये देखिए, ये एक साइक्लिक सिस्टम के अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 5 मेंबर रिंग के अंदर, ये आपके पास आ रहे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, बट स्ट्रक्चर आपका अभी भी कैसा है, पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन साइकिल के अंदर नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये sp3 है, ये भी sp3 कार्बन है, तो साइकिल के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा था, नॉट कॉन्जुगेटेड। अब हकल के फोरन रूल को अनफॉलो कर रहा है, तो फोरन रूल को अनफॉलो कर रहा है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो इसको मैंने लिख दिया नॉन एरोमेटिक, यानी कि बी स्ट्रक्चर भी आपका अंदर डी प्रोटोनेशन नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर बना रहा है। अब सिस्टम सी की बात करते हैं, सिस्टम सी में देखिए क्या हुआ, एसिडिक प्रोटोन, मैं इसके में हाईलाइटर दूसरा यूज करता हूं, सपोज मैंने लिया यहां पे ब्लू, ये आपका एसिडिक प्रोटोन है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ माइनस एच प्लस रिमूव हुआ और इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिला। अब इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने, तो देखिए 2 डबल बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंड एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ऐड कीजिए, टोटल कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड भी है, स्ट्रक्चर साइक्लिक भी है। देखिए तो पहली चीज क्या होगी, प्लानर भी है ये, कॉन्जुगेटेड भी है, ओके, और साइक्लिक तो है ही है, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हुकल 4n+2 रूल एरोमेटिक। तो ए बी और सी में
स्ट्रक्चर सी में आफ्टर रीप्रोटोनेशन कैसा सिस्टम बन रहा है आपको, सिस्टम देखने को मिला एरोमेटिक, और ए एंड बी के अंदर नॉन एरोमेटिक। तो मोर एसिडिक प्रोटोन कौन सा रहेगा, जो स्ट्रक्चर सी के अंदर जो प्रोटोन है वो मोर एरोमेटिक रहेगा। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा आपके पास, आंसर रहेगा सी ऑप्शन। देख लीजिए एसिड, मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर भी आपके पास रीड्रॉ किया है, दिस वन पर्टिकुलरली मैं हाईलाइटर यूज करता हूँ। एंड एसिडिटी या डी प्रोटोनेशन ऑर्डर क्या रहेगा, जो स्ट्रक्चर सी था वो सबसे हाई रहेगा, क्यों, क्योंकि आफ्टर डी प्रोटोनेशन एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, देन आफ्टर बी एंड देन आफ्टर ए। अब बी क्यों रहा, क्योंकि बी के अंदर अलाइलिक एनायन बना है और ए के अंदर ऑनली फॉर एक एनायन है, तो अलाइलिक एनायन इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल एनायन। ओके, तो बी देखिए अलाइलिक एनायन था, ये भी बता देता हूँ मैं आपको, दिस वन इज अलाइलिक, क्योंकि जहाँ पे एनायन है उसके नेक्स्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, इसलिए बी इज मोर स्टेबल देन ए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ए, जो कंसेप्ट लग रहा था मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब क्वेश्चन टू को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन टू में हमें क्या पूछा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड एसएन रिएक्शन, यानी एसएन मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आपको जो सिस्टम ए बी एंड सी दे रखे हैं उसमें इसकी रिएक्टिविटी चेक करनी है। तो देखिए रिएक्टिविटी चेक करने के लिए एसएन वन रिएक्शन क्या रहती है, टू स्टेप की रहती है, एसएन जो है उसमें आप इसे लिख सकते हैं एसएन वन लिख लीजिए, ओके दिस वन इज एसएन वन कर लीजिए। तो एसएन वन रिएक्शन मीन्स टू स्टेप में होगी, पहले कार्बन कैटायन बनेगा इंटरमीडिएट और देन आफ्टर उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जो कार्बन कैटायन आपके पास बनेगा एसएन वन रिएक्शन के अंदर वो मोर स्टेबल होना चाहिए, मीन्स एरोमेटिक है तो बहुत ही अच्छे तरीके से रिएक्शन होगी, नॉन एरोमेटिक है तो उससे कम, और एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो सबसे कम। ओके, तो देखिए स्ट्रक्चर ए दे रखा है आपके पास, फाइव मेंबर रिंग है, कार्बन वन टू थ्री फोर एंड फाइव। तो पहले स्टेप में क्या होगा, जो आपका आयोडाइड है वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके एलिमिनेट होगा, तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बन कैटायन, दिस वन फाइव मेंबर कार्बन कैटायन बना आपके पास, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं चेक करके बताता हूं, ये आपके पास जस्ट वन मिनट, ओके ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज रहा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, तो फोर पाई इलेक्ट्रॉन है। ओके, कॉन्जुगेशन के अंदर है, प्लानर भी है, साइक्लिक भी है। ओके, तो सिस्टम क्या रहेगा आपका, ये फॉलो किस रूल को कर रहा है, फोरन रूल को फॉलो कर रहा है, तो आपके पास सिस्टम बना एंटी एरोमेटिक, जो कि सबसे लेस स्टेबल होता है। ठीक है, एरोमेटिक फिर नॉन एरोमेटिक फिर एंटी एरोमेटिक। अगर मैं सिस्टम बी की बात करूं, ओके सिस्टम बी क्या है, फाइव मेंबर रिंग तो दे रखा है बट इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन है। सपोज एसएन वन रिएक्शन के लिए क्या होगा, आयोडाइड पहले बाहर निकलेगा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये क्या बना आपका, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, टू पाई इलेक्ट्रॉन है बट नॉट कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं है, क्योंकि फाइव मेंबर रिंग और फाइव मेंबर रिंग के अंदर ये टू पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये सिस्टम जो आपका रहा वो रहा एंटी एरोमेटिक, बट यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ये जो सिस्टम है वो अलाइलिक कार्बन कैटायन भी देखने को मिल रहा है। कैसा है, मैं इसे हाईलाइट करता हूं, अलाइलिक कार्बन कैटायन। तो ये क्या है, अलाइलिक कार्बन कैटायन, ये मोर स्टेबल रहेगा कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक सिस्टम। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो ऑप्शन सी में ये आपका आयोडाइड बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन कैटायन बनेगा, ये कैसा कार्बन कैटायन है, सेकेंडरी कार्बन कैटायन, और जो सेकेंडरी कार्बन कैटायन्स होते हैं वो मोर स्टेबल रहते हैं कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक सिस्टम। तो इसमें अगर हम देखें रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड एसएन वन रिएक्शन किसकी ज़्यादा रहेगी, जिसमें आफ्टर द आयोडाइड एलिमिनेशन आपके पास सिस्टम अगर अलाइलिक कार्बन कैटायन बनता है तो वो आपका मोर स्टेबल रहेगा, क्योंकि इन तीनों में कहीं पे भी एरोमेटिक सिस्टम बना नहीं, एरोमेटिक की तो बात ही अलग हो गई, वो तो निकल गया। अब बचे आपके पास एंटी एरोमेटिक सेकेंडरी कार्बन कैटायन एंड अलाइलिक कार्बन कैटायन, तो इन तीनों में से मोर स्टेबल कौन रहता है, इंटरमीडिएट अलाइलिक कार्बन कैटायन। तो अलाइलिक कार्बन कैटायन वाला जो रिएक्शन है वो मोर फास्ट होगा, रिएक्टिविटी उसकी फास्ट होगी। ओके, तो रिएक्टिविटी ऑफ बी स्ट्रक्चर इज मोर देन कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बन कैटायन एंड सेकेंडरी कार्बन कैटायन इज मोर देन कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक ए स्ट्रक्चर। ओके, ये आपका रहा रिएक्टिविटी ऑर्डर। ओके, तो कंसेप्ट क्या था यहां पे,
कंसेप्ट है यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी, अगर आपका बढ़ता है तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट इसका स्टेटमेंट चेक करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट इज नॉट फेवरेबल फॉर SN1 रिएक्शन। ओके, देखिए SN1 रिएक्शन बोल रहा है, इट मीन्स कार्ब कैटायन आपके पास बनेगा, पहले स्टेप में इंटरमीडिएट आपके पास देखने को मिलेगा। ओके, SN1 रिएक्शन है, कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। आपको ये चेक करना है कि जो मेरे पास इंटरमीडिएट बना वो मोर स्टेबल है तो मोर रिएक्टिव रहेगा, लेस स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव। चलिए चेक करते हैं। अब एरोमेटिक चार्ज कंपाउंड मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नॉर्मल कंपाउंड। ठीक है, मुझे ये आपके पास दो स्ट्रक्चर दे रखे, दिस वन इज ए एंड बी। ओके, इनमें से SN1 रिएक्शन के लिए मोर ससेप्टिबल कौन होगा या मोर SN1 रिएक्शन कौन देगा? तो देखिए, जो आपका स्ट्रक्चर ए है उसमें बॉन्ड पोलराइजेशन करके दिया है आपको। ठीक है, बॉन्ड पोलराइजेशन अगर करके दिया है तो देखिए जो 3 मेंबर रिंग है जिसे मैं हाईलाइट करता हूं एक्वा कलर से, दिस ये क्या है, इसके अंदर 3 मेंबर रिंग है, एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा सिस्टम बन रहा है, एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 pi इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, प्लानर है, तो सिस्टम क्या बन गया, एरोमेटिक। तो मैं इसको लिख देता हूं, दिस वन इज एरोमेटिक। यहां पे अगर मैं लिखूं दिस वन इज 2 pi इलेक्ट्रॉन और ये है आपके पास एरोमेटिक। ओके, अगर मैं बी स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पे बी स्ट्रक्चर को आपको बॉन्ड पोलराइजेशन नहीं दे रखा। यहां पे अगर मैं साइकिल की बात करूं तो इसमें 2 pi इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसमें 2 pi इलेक्ट्रॉन है बट कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा नॉट इन कॉन्जुगेशन। सिस्टम कैसे रह जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, कॉन्जुगेशन में नहीं है तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो मोर ससेप्टिबल कौन होगा SN1 रिएक्शन के लिए, स्ट्रक्चर ए जो कि आपका पोलराइज स्ट्रक्चर दे रखा है, एरोमेटिक कार्ब कैटायन बन रहा है, मोर ससेप्टिबल रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा आपके पास ए। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, दिस वन, जस्ट 1 मिनट। चलिए इसमें देखिए क्या पूछा है, मैं हाइलाइटर यूज लेता हूं। विच मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल दे रखे, स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मॉलिक्यूल। देखिए ए मॉलिक्यूल के अंदर 3 मेंबर रिंग है, एक डबल बॉन्ड है और एक एनायन दे रखा है, यानी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 pi इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो अगर मुझे चेक कब करना है तो ये आपका रहेगा 4 pi इलेक्ट्रॉन और कॉन्जुगेशन में भी रहेगा। यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 pi इलेक्ट्रॉन और कॉन्जुगेशन में है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आपका, अकॉर्डिंग टू हुकल रूल आपका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, स्ट्रक्चर बी की बात करूँ तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 2 डबल बॉन्ड 1 एनायन, तो 6 pi इलेक्ट्रॉन हो गए और वो भी कैसे, कॉन्जुगेशन में। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू हकल रूल ये स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एरोमेटिक। अगर मैं स्ट्रक्चर थर्ड की बात करूँ तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 3 डबल बॉन्ड है, 1 एनायन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 pi इलेक्ट्रॉन, तो दिस वन इज 8 pi इलेक्ट्रॉन और वो भी कॉन्जुगेशन के अंदर है। तो अकॉर्डिंग टू हुकेल रूल ये क्या हो जाएगा, सिस्टम आपका एंटी एरोमेटिक। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था, स्टेबिलिटी ऑर्डर था कि एरोमेटिक सिस्टम इज मोर स्टेबल कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक एंड कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में यहां पे अगर लिख दूं तो एरोमेटिक मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। ओके, अब देखिए स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में कोई भी आपका एंटी सॉरी नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, तो नॉन एरोमेटिक तो निकल गया, तो मोर स्टेबल कौन होगा, सेकेंड नंबर का जो स्ट्रक्चर है जो कि आपके पास क्या आया, एरोमेटिक आया, वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो आंसर क्या था, सेकेंड। अगर मुझे ऑर्डर अरेंज करना है
तो देखिए अब आता है आपके पास फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों ही आपके एंटी एरोमेटिक है। तो ज्यादा एंटी एरोमेटिक कौन है, जिसके अंदर लॉन्ग कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो वो आपका है थर्ड स्ट्रक्चर। अगर ये ज्यादा एंटी एरोमेटिक है तो स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है, और जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है वो कम एंटी एरोमेटिक है तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। देखिए दोनों स्ट्रक्चर है एंटी एरोमेटिक, बट मोर एंटी एरोमेटिक कौन है, स्ट्रक्चर थर्ड, तो इसकी स्टेबिलिटी लो, और लेस एंटी एरोमेटिक कौन है, स्ट्रक्चर सेकंड, तो इसकी स्टेबिलिटी हाई। तो सेकंड, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर में, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर में मोर स्टेबल कौन रहेगा, अगर पूछा जाए, दोनों एंटी एरोमेटिक है बट लोअर रिंग साइज आपका मोर स्टेबल रहेगा, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकंड, है दोनों एंटी एरोमेटिक लेकिन पहला वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। ओके, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन थर्ड, एंड सेकंड जो एरोमेटिक है सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 5, हाइलाइटर यूज करता हूं मैं, जस्ट वन मिनट। विच इज मोर एरोमेटिक कंपाउंड, देखिए मोर एरोमेटिक कंपाउंड आपका पूछा है। सिस्टम ए है फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकंड है, स्ट्रक्चर फर्स्ट में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है चेक कर लेता हूं मैं। देखिए एक डबल बॉन्ड है और एक एनायन है, तो टोटल कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, प्लानर है, कॉन्जुगेटेड भी है, तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये एंटी एरोमेटिक आपका हो गया, क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में देखते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 डबल बॉन्ड एक एनायन, जस्ट ऊपर वाले की तरह ही है, जो मैंने ऊपर ही इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया कि मोर एरोमेटिक कौन होगा। तो टोटल आपके पास यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हुकल फोरन रूल ये कैसा आएगा, एंटी एरोमेटिक। देखिए अब मोर एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल, लेस एंटी एरोमेटिक मोर स्टेबल, यानी कि जो लेस एंटी एरोमेटिक है, 3 मेंबर रिंग जो लेस एंटी एरोमेटिक है वो, उसकी अगर मैं ओवरऑल स्टेबिलिटी बोलूँ तो ज़्यादा रहेगी, और जो सेकंड नंबर का स्ट्रक्चर है जो कि मोर एंटी एरोमेटिक है उसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि विच इज मोर एरोमेटिक, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है यानी स्ट्रक्चर फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये मोर एरोमेटिक है, बट सेकेंड इज लेस एरोमेटिक है। तो आंसर क्या रहेगा इसके लिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर फर्स्ट इसका आंसर आपका रहेगा, स्ट्रक्चर फर्स्ट आपका इसका आंसर रहेगा। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।